नमस्कार, मैं इंद्रपाल चतुर्वेदी और आप देख रहे हैं मेट्रो मुंबई। हमारे साथ हैं भाजपा सांसद गोपाल सेट्टी जी। इस समय साहब एक बड़ा इशू विरोधियों द्वारा उठाया जा रहा है कि सीबीआई का दुरुपयोग हो रहा है, ईडी का दुरुपयोग हो रहा है, विपक्ष को परेशान करने के लिए उपयोग हो रहा है। पी चिदम्बरम साहब वित्त मंत्री, गृह मंत्री, ऐसे लोगों को अभी सीबीआई पूछताछ कर रही है। इस मामले में आप क्या कहना चाहेंगे सर? सबसे पहली बात देखिए, कांग्रेस को इन सारे बातों का पहले से अंदाजा था क्या होने वाला है, इसलिए वो छटपटा रहे थे चुनाव के पहले कि कैसे भी हम सत्ता पे आ जाए। सारे टोलियों को एक साथ में किया, लेकिन भारत देश के मतदाताओं का अभिनंदन करना पड़ेगा, इतना परिपक्व उन्होंने दिखाया और इनको इनकी जगह बताई, महागठबंधन को हटाया। अब सारे चिदम्बरम भी नहीं, बहुत सारे 70 साल में मोदी जी ने एक बात बहुत जोर से कहा है कि 70 साल से जिन्होंने देश को लूटा है उसको बिल्कुल छोड़ा नहीं जाएगा, बिल्कुल छोड़ा नहीं जाएगा। अब ये चिदम्बरम एंड कंपनी धीरे धीरे सब बताएंगे। यहाँ पर किसान मरते हैं और ये बालकनी में गमले में करोड़ों रुपए का सब्जी उगाते हैं। तो मैं तो अभी इनका पूरा इंक्वायरी होने के बाद में मैं इनको कहूँगा कि आप इसको सजा दीजिए, लेकिन सजा के साथ साथ में इनको सारे देश के लोगों को ट्रेनिंग करने का काम दीजिए। चिदम्बरम साहब को स्किल डेवलपमेंट के माध्यम से देश के लोगों को ट्रेन करे। जो भी ये बाकी सारे इनके कांग्रेस राष्ट्रवादी के नेताओं का नाम आ रहा है, जो बहुत कम जमीन पे गमले में बालकनी में भाजीपाला उगा कर करोड़ों रुपए का मुनाफा करते हैं, तो देश के लोग सुखी हो जाएंगे ना। इन्होंने जो गलती किया उसका सजा इनको दे दो। या तो मैं आगे ये भी कहूँगा कि चिदम्बरम साहब गमेले में और बालकनी में सब्जी उगा कर अगर करोड़ों रुपए का फायदा करते हैं तो अगले बार इनको भारत रत्न इनको ही देना चाहिए, ताकि देश के लोगों को इतना बड़ा फॉर्मूला अगर चिदम्बरम साहब देते हैं तो इनको मैं प्रपोज करूंगा। जब आपसे बात होती रहती तो आप बोलते थे कि कांग्रेस का जो चोरी है, कांग्रेस का जो पाप है, या विरोधियों का जो हमेशा आपका ही बयान रहा है कि वो सब उजागर ना हो, इसके लिए लोग एकजुट हुए हैं, महागठबंधन बना अपनी गलतियों को छुपाने के लिए, एक एक करके प्यादे बाहर आ रहे हैं। क्या इसके बाद और बड़ी मछलियां हाथ आने वाली हैं? पक्का आएगी। आप देखते रहो, 70 साल में इन्होंने ही देश को लूटा है ना, और ये चिल्ला रहे थे काला पैसा कब आएगा। अब काला पैसा लाने के लिए लोगों को पकड़ रहे, फिर चिल्ला रहे हैं कि क्यों पकड़ा करके। ये दोगली नीति कैसे चलेगी? नहीं, लेकिन एक बात यानी कांग्रेस के लोग पहले ये तो स्पष्ट करे कि 70 साल राज किसने किया देश में, लूटा किसने देश को, बीजेपी वाले ने लूटा क्या कांग्रेस वाले ने लूटा? तो कांग्रेस वाले ने लूटा तो कांग्रेस वालों को सीबीआई पकड़ेगी ना, बीजेपी वाले को तो नहीं पकड़ेगी ना। लेकिन साहब ये माना जा रहा है कि 370 से ध्यान हटाने के लिए ये पहल की गई ताकि लोग उधर उंगलीबाजी नहीं करे, उधर पूछताछ नहीं करे, उधर कोई उपद्रव नहीं करे। अभी राहुल गांधी गए थे, उनको वापस भेज दिया। उपद्रव करने वाले यही तो है ना, ये वापस 11 लोगों की टोली लेकर गए वहाँ पर उपद्रव करने के लिए। अब वहाँ के लोग पत्थर मारना बंद किया है, अब ये 11 लोगों को लेकर ये पत्थर मारने वाली ही टोली है ना। वो लोग वो पत्थर मारते, ये शब्दों का पत्थर मार के देश का हालत बिगाड़ते हैं। सर, अब ये बात बताइए कि अभी आपने बताया कि गमले में खेती करते हैं, ऐसा उन्होंने दिखाया कि हम तो पेपर में आया ना, स्टेटमेंट दिया ना उन्होंने, स्टेटमेंट नहीं दिया है जी। ये इनकम टैक्स वाले को जो उन्होंने हिसाब पेश किया है उसमें लिखा है कि हमने बालकनी में सब्जी उगाया तो उसमें से करोड़ों रुपए का फायदा हो गया जी। तो देश के लोगों को क्यों सिखाते नहीं? रॉबर्ट वड्रा साहब बहुत कम समय में जमीन खरीदते और वो मल्टी करोड़ का मालिक बन जाते हैं, तो सारा देश के लोगों को भी थोड़ा ये धंधा सिखाए ना भाई, लोगों का सुखे हो जाएंगे। लेकिन साहब वड्रा बाहर घूम रहे हैं और एक गृह मंत्री को लिया गया, क्या गांधी परिवार को कहीं ना कहीं साइड ट्रैक किया जा रहा है, सॉफ्ट कॉर्नर किया जा रहा है? किसी को भी साइड ट्रैक नहीं किया जाएगा, मोदी जी ने ऑन रिकॉर्ड कहा है, बेल पे है, जितना दिन मजाक करते हो करो। अब देखो, उनको पकड़ेंगे नहीं तो भी आप लोग बोलते हो कि उनको क्यों नहीं पकड़ा, पकड़े तो बोलते हो उनको क्यों पकड़ा, ये तो नहीं चलेगा ना। और मोदी जी किसी को पकड़ते नहीं, मोदी जी सिर्फ अपना काम करते हैं, पकड़ने का काम सीबीआई वाले करते हैं, पुलिस वाले करते हैं, जो व्यवस्था अपने देश में बनी है वो लोग पकड़ते हैं। लेकिन साहब, एक तरीके से घर में घुस करके पकड़ना, ये कहीं कहीं चोर को कहाँ पकड़ेंगे, चोर जहाँ होगा वहाँ पकड़ेंगे ना। शर्म आनी चाहिए कांग्रेस के लोगों को। अमित शाह जी का भी आप टीवी वाले ही बताते हो कि अमित शाह को जब गिरफ्तार करने की बात आई, अमित शाह सामने से जाकर अरेस्ट हो गए और अरेस्ट होते समय कहा कि हमको हमारे देश के कानून पर भरोसा है,
ये आपकी टीवी के लोग बता रहे थे। देखिए आप बात सुनिए, सही बात, मेरी आवाज को जान दीजिए जनता तक। उन्होंने कहा कि मुझे हमारे देश के कानून पर भरोसा है और ये जाते नहीं है बेल लेने के लिए, महीना महीना दो दो महीना तीन तीन महीना कोर्ट के चक्कर काटते हैं, बेल नहीं मिलता है तो फिर भागते हैं, छुपते हैं। हाँ, सीबीआई के लोगों को दीवार कूद कर ऊपर जाना पड़ता है, चोर बदमाश छटे हुए बदमाशों को भी इस तरह से पकड़ा नहीं जाता है। ये शर्म की बात है, मैं भी एक पॉलिटिशियन हूँ लेकिन मुझे शर्म आती है अपनी जमात पर। हाँ, मुझे शर्म आती है सीबीआई के लोगों को दीवार कूद कर अंदर जाकर पकड़ना पड़ता है, इससे बड़ी बेइज्जती क्या हो सकती है। और ऐसे लोगों के पीछे पूरी कांग्रेस की टीम खड़ी हो जाती है। क्या क्या मैसेज देना चाहते हो आप देश के लोगों को? सब उनसे उनसे एक बाकायदा सीबीआई घर पे जाके पूछताछ कर सकती थी, अरेस्ट करना ही क्यों जरूरी? तो घर पे ही गए थे ना, घर पे ही गए थे ना। अरेस्ट करना नियम हमने नहीं बनाया, नियम इन्होंने ही बनाया, उसका पालन कर रहे हैं सीबीआई के लोग। सीबीआई का पैदाश ही हमारी पैदाश नहीं है और मैं उसका कोई विरोधी नहीं हूँ। सरकार का काम है व्यवस्था बनाना, नई नई एजेंसियों का निर्माण करना, उन्होंने वो किया है, उसका स्वागत है। साहब ये अच्छा काम किया कांग्रेस ने। बात जा रही कि तीन स्टेट में इलेक्शन है, महाराष्ट्र हरियाणा और झारखंड में, इसलिए कदम उठाए जाते हैं। जब जब चुनाव होता है तो मोदी साहब कोई ना कोई नया एक एटम बम देखिए अपने देश में। मोदी जी ने इस बात का भी खुलासा किया है कि अपने देश में चुनाव हर 6-12 महीने में होता है जी, इसलिए उन्होंने कहा कि वन नेशन वन इलेक्शन जी। अब उसको भी ये सपोर्ट नहीं कर रहे जी, अब उसको आप सपोर्ट नहीं कर रहे हो तो इलेक्शन तो आते रहेंगे, इलेक्शन आते रहेंगे इसलिए कि किसी के ऊपर कार्रवाई नहीं करने का, चोर को पकड़ने का नहीं, देश का पैसा जिन्होंने लूटा उसको पकड़ना नहीं चाहिए। लेकिन एकदम जब इलेक्शन दरवाजे पे खड़ा है तो ऐसी कार्रवाई करना और इस प्रकार कौन से दरवाजे पे खड़ा है? कौन से दरवाजे पे? लोकसभा का चुनाव था, लोकसभा तो भी आप बोलेंगे इलेक्शन दरवाजे पे खड़ा है। अब पकड़ने का अभी तो इलेक्शन का आचार संहिता घोषित भी नहीं हुआ है, तो आपका इलेक्शन और दरवाजा ये इससे कोई लेना देना नहीं है, इससे कोई लेना कुछ लेना देना नहीं है। अच्छा तब 300 और मुझे बताइए, चोर तो चोर होता है जी, चोर को पकड़ना नहीं ऐसा कोई इलेक्शन का कायदे में लिखा नहीं है, चुनाव के दिन भी पकड़ सकती है सरकार। लेकिन राजनीतिक फायदा कहीं कहीं तो घूम फिर के तो आता है ना इसमें, राजनीतिक फायदा क्या है इसमें? देश का फायदा है, जनता का फायदा होगा कि विरोधियों को पकड़ा हुआ माल आएगा और आने वाले दिनों में कुछ चोरी नहीं करेगा, इसमें कोई बीजेपी का फायदा होने वाला नहीं है। सब हर मामले में देश का फायदा होगा, हर मामले में कई लोगों को पकड़ती है, अरेस्ट करती है, जमानत पे छूट जाते हैं, फिर कार्तिक चिदम्बरम को पकड़ा वो भी छूट गए, उनका जमानत पर छूटा, जमानत पर छूटे, जमानत को बीजेपी देती नहीं है, जमानत बीजेपी देती नहीं है। न्याय प्रणाली हमारे देश में है, न्याय प्रणाली का भी काम न्याय प्रणाली करना चाहिए। मान लो कि कल आप बहुत अच्छे इंसान हो, आपको पकड़ा तो आपको बेल नहीं मिलना चाहिए, बेल तो एक प्रोसेस है लेकिन बेल के बाद में तहकीकात होता है, उसका इंक्वायरी होता है, दोषी है उसको पकड़े जाएंगे। मतलब चिदम्बरम को मानते हैं कि दोषी नहीं, अच्छे आदमी है, पकड़ा इंक्वायरी के लिए जांच के लिए अच्छे है, वो प्रूव करे ना जी। अब सीबीआई ने पकड़ा है वो प्रूव करे, और चिदम्बरम कोई मामूली आदमी नहीं है, सुप्रीम कोर्ट के लॉयर है, वो प्रूव करे कि सीबीआई ने गलत किया है करके, वो दावा ठोक सकते हैं सीबीआई के ऊपर, सरकार के ऊपर ठोके आने वाले दिनों में दावा, अगर सच्चे और अच्छे है तो।